सब्सक्राइबर्स कितने हैं आपके फायदा में? मेरे तो हैं अभी 13 लाख होने वाले हैं। रिपोर्ट किया अगर तो किस्मत से रिपोर्ट नहीं किया होगा और सब्सक्राइबर हाइड किया हुआ था सब कुछ है ना। हम नहीं जा रहे, मेरी अपनी बहन है क्या कोई? हेलो गाइज, दिस इज़ डे 3 और आज हमारा लास्ट डे यहाँ पे सैटरडे है। सो आज कुछ एक्सप्लोर करने यहाँ पे चीज़ें, और यहाँ पर ये वो रूम है जहाँ पर धर्मेंद्र सर अपना वीडियो शूट करते हैं। दिस इज़ द सेटअप, लेट मी शो यू। यस यस बोला मैंने। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे वो शूट करते हैं उनकी वीडियोज़, और यहाँ पर दिस इज़ अनदर रूम जहाँ पर उनकी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, स्टोर रूम वगैरह। यहाँ पर बैठ के हम लोग कुछ काम कर रहे थे, बस यहीं पर हम लोग रुके हुए हैं। दिस इज द रूम वेयर वी आर स्टेइंग फॉर लास्ट 2 डेज। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए यहाँ पे होटल में और बहुत सारे लोग आए हुए, आई मीन लिटरली बहुत सारे लोग हैं, और साथ में हमारे पास यहाँ पर धर्मेंद्र सर भी है, बिहार तो बिहारी गैंग के सरदार। सर ने यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी बना लिया है। हाँ, एक छोटा सा मेरा कम्युनिटी है यहाँ का, बिहार का। उसके बाद हम हाथ पकड़ लेते हैं, तो फिर वो जो लड़का जिसकी बहन नहीं थी वो बोलता है कि अरे देखो उससे कुछ छेड़ रहा था, चलो बचाते हैं। इनसे बोलता है जिनकी सिस्टर थी, तो वो बोलते हैं जिनकी सिस्टर थी कि अरे यार हम नहीं जाते, मेरी अपनी बहन है क्या कोई, हटा हम नहीं जाते, क्यों पंगा लेना। दूसरे को बोलता है तो नहीं भाई हम ये सब काम नहीं करते, नहीं नहीं मैं कोई नहीं करता, कोई नहीं जाता है। तो अकेले जाता है वो बचाने के लिए, और अकेले बचाने जाता है, मारता पीटता भगा देता है, खुद पिटाता भी है भगा देता है। फिर लास्ट में यही मैसेज रहता है कि इसमें कि भाई आप अपनी बहन को ही केवल बहन ना समझें, जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लोग हैं जो इस नीड में हैं, ज़रूरत है इनको भी सेफ्टी के लिए, कोई परेशान करे कोई छोड़े, तो उनको अपनी बहन समान मानकर आप खुद उनका प्रोटेक्ट कीजिए। यही होता असली भाई का कर्तव्य, और हमारी सभी लोग जो हैं सिस्टर्स भाई बहन हैं। और यही लास्ट में था, मतलब मेरा मैसेज था उसमें कि सारी लड़कियां को हमें अपना बहन समझना चाहिए सिवाय अपनी वाइफ को और गर्लफ्रेंड को। बस यही मैसेज था, यही खत्म था। तो स्क्रिप्ट बढ़िया बना थी, खाली अपना कुछ कंटेंट नहीं है उसका, है ना, खाली दूसरे कंटेंट डाला है, और हम देख के आश्चर्य हो गए। और मात्र 2 महीने पुराना चैनल था, इतना वायरल हुआ था, 6 लाख पेमेंट हो गया था उसको, फिल्म सब मिल गया था। तो उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं था पहले। हाँ, तो हम आश्चर्य के फिर बात की उससे, तो हम बोला कि सर पेमेंट भेज दिया है हमको, मिल जाएगा इतना, हमको मिल जाएगा। हम बोले कहा नहीं मिलेगा, भेज दिया था, 6 लाख कुछ था ना, 6 लाख क्या था पेमेंट था उसका। और हम बोला हमको सर विश्वास नहीं हो रहा है, हम बोले खेरे आप आ जाएगा, जब तुम भेज दिया तुमको बिल्कुल मिलेगा, सर मैसेज आया ना तुमको क्लियर पेमेंट हमने सेंड कर। हाँ, तो 3 दिन बाद हमको फोन किया कि सर पेमेंट आ गया है, हम आपको विश्वास नहीं, मेरे घर में कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो हम बोले कि तुम्हारे चैनल हुआ तो ठीक है, आप ऐसा कॉन्टेंट थोड़ी ऐसा चलेगा नहीं ना, ज़्यादा दिन एक बार कोई भी पकड़ लेगा, एक बार भी कोई रिपोर्ट किया अगर तो किस्मत से रिपोर्ट नहीं किया होगा, और सब्सक्राइबर हाइड किया हुआ था सब कुछ है ना, हाइड। हाँ, तो पकड़ लेगा एक बार भी कोई रिपोर्ट कर देगा तो फिर तो फंस जाओगे, खत्म और बंद ही हो गया उसका, मतलब वो नहीं चलेगा। उस टाइम उसका दूसरा पेमेंट भी आया था ना, दूसरा पेमेंट आया था कुछ 2 लाख के आसपास का, और तीसरा बार में उसका चैनल सब्सक्राइब खत्म हो गया पूरा। तो हमको बोले समझ गए तुम वीडियो बनाना तो बना दो इसके ऊपर ना, बोले क्या सर छोटा सा टॉपिक के लिए क्या बनाया। फ्रेंड्स मिले और हमने सच में एंजॉय किया, और बहुत से नए फ्रेंड्स भी मिल गए हमारे साथ। यहाँ पर है बिहारी इंडियन से चंदन भैया, तो भाई बताओ कॉमेडी का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बहुत अच्छा लगता है।
कॉमेडी करते करते और काफ़ी खुशी देने में बहुत मज़ा आता है लोगों को. लोगों को हंसाना एक बहुत बड़ा आर्ट है. ठीक है, रुला तो कोई भी सकता है, आँख में कुछ मार दो लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है. तो भाई मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए इन्हें भी. और भी बहुत सारे लोग हैं, मिलते हैं, बहुत से आप दोनों से मिलकर. और जब बस आपका प्यार है, बस मुझे मालूम नहीं था कि आप दोनों आए हैं, तो मैं कुछ काम ही थी उनको छोड़ कर आया भाई. सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू. तो गाइज अभी हम लोग आए हुए एक वीडियो के शूट करने के लोकेशन पे, और बहुत सारे लोग हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं. सब शूट करेंगे, एक कॉमेडी वीडियो बनाने वाले हैं. और ये वीडियो जाएगा मोस्टली किसके चैनल पे जाएगा? किसके चैनल पे डालने वाले हैं वीडियो? जब भी मतलब पता चलता ही आई बटन बोल देंगे. और गाइज हमारे साथ यहाँ पे शूट करने के लिए कौन आया है पता है? हेलो गाइज, सो नित्या भाई आए और इनका यूट्यूब चैनल. भाई सब्सक्राइबर्स कितने आपके? फायदा मेरे तो है अभी 13 लाख होने वाले हैं भाई. और मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल बाबा नित्या. ऐसे आप टेक्निकल नित्या भी टेक्निकल नित्या भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा टेक्निकल बाबा नित्या. टेक्निकल वीडियोस अपलोड करता हूँ. वैसे बाय द वे अभी हम व्लॉगिंग करते करते गटर में घुसने वाले थे, बच गए आराम से. चलिए और बाकी तो इंटरव्यू में मिलेंगे ही. और गाइस YouTube का रिव्यू करेंगे कुछ. इनके साथ हमने एक इंटरव्यू भी शूट किया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं. और वहाँ पे YouTube के बारे में कुछ बातें हुई हैं कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है इन 1.5-2 सालों. इनसाइट्स, YouTube के इनसाइट्स, जो मेरा मैंने दिल से मतलब जो फील किया है वो चीज मैंने बताया इंटरव्यू में. और क्या सही है. और इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में. तो गाइस यहाँ पे शूट चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लोग जमा हुए हैं. और भाई हमारे कैमरामैन भी रेडी है यहाँ पे, टंकी चल रहा है जो भी है, लेकिन आउटपुट फाइनल आपको देखने को मिलेगा जो कमाल होने वाला है. अरे क्या गंदा नहीं है. अरे मोदी का है पकौड़ा बल बेल क्या बोले थे पकौड़ा बेच. हाँ पकौड़े छना है साला. पकौड़ा भी यार, पकौड़ा भी यार. हाँ हाँ शर्ट है रो तुम लोग. अरे रो कह रहा है भाई, मत रो मत रो मत. अरे पैसा नहीं है घर का. अरे मोदी कहे थे पकौड़ा बेलने के लिए, साला पकौड़े का दुकान खोलते हैं. चलो इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं लेना है ना, ये बहुत बोरिंग हो जाएगा फिर. हाँ. ना बस थोड़ा सा बेरोजगारी कुछ बात करें ले लीजिए कि लग जाएगी हम बेरोजगार. बस नेक्स्ट सीन ये है ना कि वहाँ से कैमरा रहेगा, हम लोग बस कपार पकड़े हुए हैं, इधर से आ रहे हैं. हाँ, पीछे से आ रहे हैं, पीछे से. हाँ कंटोपा डाल ले तो सुनाई देगा उनको. हाँ नहीं ऐसा करो, भाग के आओ ऐसा फिसलने का एक्टिंग करो, ऐसे पकड़ लो. हाँ थपाट से माइक चाहिए ना वहाँ पे, वहाँ से चंदन जी वहाँ से जाइए फिर से. मतलब गिरते गिरते एकदम तेजी से मैं भाग रहा है. नहीं एक साइड का. हां थोड़ा क्या डालो, क्या डायलॉग क्या देना है यहां पर? मैं कैमरा में कहां से जी भाई बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, दिख रहे हैं नए नए लोग काम कर रहे हैं आज. फॉरनर भी आए हुए. सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ एक्टिंग चल रहा है भाई लोगों का. मुंबई का मारे हो वैसे? अरे भाई जब आप लोग बुला लेंगे तब आ जाएंगे. कल चले हमारे साथ में तो नहीं, लेकिन आएंगे तो वहाँ पे जरूर मिलेंगे. और इसी तरीके का एक ब्लॉग बनेगा, वीडियो बनेगा, और फुल एंजॉय होगा वहाँ. क्या बैग चेक करो जरा भैया, क्या है ये? सर हमारा नहीं. अभी बोला तुम्हारा है. तू साला बोल के चुप रहो, एक्टिंग में घुस जा रहा है. बोलना पड़ेगा डायरेक्टर से. डायरेक्टर घुस गए.
सो गाइस शूटिंग हो गई खत्म और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और हमारे साथ ये भी है भाई, चलो घर चलते हैं। वीडियो तो शूट कर लिया हमने फाइनली, वो आपको देखने को मिल जाएगा आने वाला टाइम में। और अभी हमारे साथ यहाँ पर चंदन भैया, तो अभी हम लोग कहाँ पे चंदन भैया? ये पंकज भैया घर है, यहाँ पर बिहारी इंडियन का स्टूडियो है, तो आइए आपको स्वागत है, आपको बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे कैसे शूट करते हैं ये लोग। तो हाय गाइस, तो ये हमारे बिहारी इंडियन के मुख्य कलाकार और हमने यहाँ पे शूट किया है बहुत सारा वीडियो, धर्मेंद्र जी का भी इच्छा आपने देखा होगा शूट, यहाँ पे शूट हुए हैं, तो स्पेशली ये इसी तरह से भी है। और इसलिए आज से मोबाइल वाला जितने भी वीडियो है वो बनता है मोबाइल शॉट करके कुछ तो ऐसा वीडियो बनने के लिए चलते हैं, चलते हैं ऊपर। तो गाइस अभी ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आपने देख लिया बता दीजिएगा। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं नित्या भाई के घर और यहाँ पर इनके साथ करने वाले हैं एक इंटरव्यू, तो हेलो भाई, अभी मजा आएगा, इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले टाइम में। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे नित्या भाई यानी कि टेक्निकल बाबा अपने वीडियोस शूट करते हैं, हम लोग अभी उनके घर पे हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या कुछ है, कैसे वो शूट करते हैं वीडियोस, उनका सेटअप क्या है। तो ये एक्चुअली उनका प्राइमरी सेटअप है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से है यहाँ पर, और ये दूसरा रूम और हमारे साथ यहाँ पर है नित्या भाई, और ये उनका जो मेन सेटअप है यहाँ पर उनके सारे वीडियोस एक्चुअली शूट होते हैं। और अश्विन भाई, यस यस यस, अश्विन भाई बिजी हो गया भाई सिल्वर और गोल्ड बटन को छोड़ करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई की दोनों बटन्स आ गई हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी हम करने वाले हैं एक इंटरव्यू। और अभी हम वापस आ गए पंकज भैया के घर और यहाँ पर हमने शूट कर लिया है वीडियो और हो गया सारा शूटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इनका कुछ इस तरह का यहाँ पे सेटअप है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो प्लीज सपोर्ट कीजिए इनको और बस जल्दी अब अगली बार इनका इंटरव्यू करने आएंगे, जल्दी से जल्दी 1 लाख पे पहुंचा दीजिए। तो गाइस इस व्लॉग की एंडिंग में अभी शूट कर रहा हूँ, जब मैं एडिटिंग करने बैठा क्योंकि मैंने जब चेक किया तो पता चला कि काफी सारा फुटेज डिलीट हो चुका है, करप्ट हो चुका है, जो कि रिकवरेबल नहीं है, तो इस व्लॉग को एंड मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है। एक्चुअली नित्या भाई का इंटरव्यू करने के बाद हम लोग धर्मेंद्र सर के घर आ गए, फिर उनके यहाँ पे हमने एक वीडियो शूट किया जो कि कैनन 200D का रिव्यू था, जो अब तक आपने धर्मेंद्र सर के चैनल पर देख लिया होगा माई स्मार्ट सपोर्ट पे, और उसके बाद ज्यादा कुछ किया नहीं, उसके नेक्स्ट डे हम लोग वहां से निकल गए, आगे की व्लॉग आपको मिल जाएगी नेक्स्ट डे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इसमें इतना ही था, बस लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके, कल मिलते हैं, बाय बाय।